हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्नेहा वी किचन। आज स्नेहा वी किचन में बन रही है न्यूट्रेला चंक्स की मज़ेदार सी सब्ज़ी। तो इसे हम रोटी के साथ भी खा सकते हैं और पराठे के साथ भी। तो सबसे पहले मैं एक मिक्सी का जार लूँगी, उसमें डालूँगी 2 हरी मिर्ची और 1 इंच अदरक का टुकड़ा। उसके बाद उसमें बहुत सारे लहसुन डालूँगी और डालूँगी जो सोया चंक्स मैंने सोख करके रखा था, उसे थोड़ा सा डाल करके इसे दरदरा पीस लूँगी। फिर लूँगी एक कढ़ाई, कढ़ाई में डालूँगी 1 टीस्पून ऑयल और 1 टीस्पून जीरा और 1 तेज़पत्ता डाल करके इसे अच्छे से भूनेंगे। फिर डालेंगे इसमें कटे हुए प्याज, जो हमने प्याज चॉप्ड करके रखे हैं थोड़ी लंबे लंबे और बड़े बड़े आकार में, उसे डालेंगे और इसे भी अच्छा हल्का गोल्डन ब्राउन, ज़्यादा भूनेंगे नहीं, हल्का हल्का भूनेंगे ताकि ये पिंक कलर की हो जाए। और इसमें डालेंगे सोया चंक्स जो मैंने सोख करके रखा था, इसे भी भून लेंगे। फिर डालेंगे जो हमने मसाले दरदरा पीस के रखे थे उसे, उसके साथ थोड़ा नमक पानी भी डाल देंगे। फिर इसे अच्छे से भूनेंगे। जब ये हल्के हल्के गोल्डन हो जाए उसके बाद इसमें डालेंगे नमक और हल्दी पाउडर, दोनों को डाल करके भी मैं अच्छे से थोड़ा सा भून ले रही हूँ। उसके बाद इसमें डालूँगी मैं 1 पाउच मैगी मसाला का पाउडर, इसे भी डाल के मैं इसमें स्लो फ्लेम में इसे हल्का हल्का भूनूंगी। फ्रेंड्स, गैस की जो फ्लेम है ना उसे कम ही रखेंगे ताकि हमारे मसाले जले नहीं और सब्ज़ी जले नहीं। और इसके बाद 2 टमाटर इसमें डालूंगी मैं 6 से लंबे लंबे आकार में कटे हुए और 1 शिमला मिर्च, उसे भी मैंने लंबे लंबे आकार में काट लिया है और उसे भी डालूंगी। ये ऑप्शनल है फ्रेंड्स, अगर आपके मन है तो आप डाल सकते हैं वरना आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। हाँ, फिर डालूंगी मैं इसमें 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, उसे भी डाल करके मैं इसे अच्छे से भून लूँगी। फ्रेंड्स, इसमें डालूंगी मैं 1 चम्मच टमाटो सॉस। फ्रेंड्स, आपको अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझे लाइक करिए और सब शेयर भी करिए मेरी रेसिपी को। अगर आप मेरी रेसिपी ट्राई करते हैं तो प्लीज़ मुझे शेयर करिएगा अपनी रेसिपी को। फिर मैं डालूंगी 1 चम्मच ग्रीन चिली सॉस, उसे भी डाल के अच्छे से भून लूँगी। ये हमारी सब्जी रेडी है। आप इसे चाहे तो लंच बॉक्स में भी बच्चों को दे सकते हैं, रोटी के साथ रोल रोल कर कर, और ऐसे भी खा सकते हैं। अब इसमें डालेंगे धनिया पत्ता। धनिया पत्ता से हमारी सब्जी की जो टेस्ट है और भी बढ़ जाएगी। ये रही हमारी सब्जी जो रेडी है। आप इसे कैसे भी खा सकते हैं, रोटी के साथ खाएं या पराठे के साथ। बहुत टेस्टी।